मैत्री करुणा देते हुए जा रहे नहीं रुके। फिर दूसरी बार कहा, मन में सोचना कि हम जिससे कह देते थे तो वो तो तुरंत ही रुक जाता था और वो ये रुक नहीं, क्या है इसके क्या बात। तो वो भाई तीसरी बार कहा, तब भगवान बुद्ध बोले, हम तो रुके हैं, तू नहीं रुक रहा है। कहा तू नहीं रुक रहा है, आए खड़े थे, आया कला, हम जिससे कहते थे तो रुक जाता था, आप नहीं रुक रहे हैं कैसे। कला बेटा ऐसा है, हम तो रुके हैं भाई, कहला हम अभी मारेंगे। अरे मारो बेटा, ऐसे कहा। कला मारो, ऐसे रह करके हाथ ऐसे हो गया। और कहा मारो, क्या क्यों नहीं मार रहे हो। इतने में कहा बेटा ऐसा बताओ, एक पेड़ पीपल का पेड़ खड़ा था, तो कला बेटा उसमें का एक पत्ता तोड़ लाओ। तो कहा हाँ लाते हैं अभी। वो लाया, तोड़ लाया और लेके देने लगा। कला हम नहीं लेंगे इसको, जाओ फिर उसको जोड़ दो जा करके। अब वो टूट गया तो कहाँ जुड़ने वाला है, जो मर गया ना तो वो टूट गया तो कहाँ जुड़ने वाला, नहीं जुड़ रहा। तो आया कला लो अपन पत्ता, नहीं जुड़ रहा। कला अच्छा ये बताओ, ये एक पत्ता तोड़ा है तो जुड़ नहीं रहा है, और इतने दिन से तो हिंसा कर रहा है, मानुष मार रहा है, तो एक जिला भी नहीं सकता है, तो मारने का हक किसका, किसने दिया है ये बता पहले। तो उसको क्या अंदर से ज्ञान होता है भगवान बुद्ध की ये बाणी सुन करके। तब ऐसे देख रहा, कला क्या देख रहा है, अब तुझको ज्ञान होना चाहिए। इतने में ज्ञान होता है, इतने में अंदर से उसकी भावना जागती है, ज्ञान होता है। कहा भगवान ने पाप गठरी शीस धरी, तब पाप शीस पकड़ क्यों रोता है, शीस पाप गठरी शीस धरी तब शीस पकड़ क्यों रोता है। तो अब क्यों रो रहा है, तो अब ये दुख सब दूर कर, कष्ट अपना अब ये चरण में लग। तो तुरंत ही कांता बल्लम धनुष सेटा माला निकाल कर फेंक देता है और भगवान बुद्ध के पैरों पर कि भगवान हमारे शरण में ले लीजिए अपने। तो यहीं से ले जा करके भगवान बुद्ध अपने बुद्ध के वही चेतवन में दीक्षा देते हैं अंगुली माल को। और उतने में उधर कृष्णजीत जो राजा थे तो अपनी सेना तैयार करके लाग जा रहे थे मारने के लिए। वो सुबह में 8-9 बजे तो मंत्री सेनापति से कहा, इधर रुको 5 मिनट, हम भगवान बुद्ध का थोड़ा आशीर्वाद ले लें तब चले। अब लड़ने जा रहे हैं, लौट करके आए ना आए भगवान बुद्ध। तो अब वो भाई राजा गए, भगवान बुद्ध बैठे थे दम सभा में, तो प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा, भगवान आशीर्वाद दीजिए। तो कहा, राजन कैसा आशीर्वाद बताओ, कहाँ जा रहे हो। तो कहा, भगवान एक अंगुली माल आया है तो वो जनता को मार देता, अगर देखते हुए मार देता, मार करके वो अंगुली काट करके पहन लेता है। एक मानुष को मारेगा चाहे चार मानुष, चारों पहन लेता, और बहुत परे उसको मारने के लिए जा रहे हैं। कहला अच्छा, तो ये राजन बताओ, अगर अंगुली माल तो यही हो तो क्या बता क्या करोगे। कहला भगवान आपके पास, आपको भी मार देगा, आपके शिष्यों जो भलते लोग हैं उनको भी मार देगा, नहीं आएगा। कहला अगर हो तो क्या करो। कहा तीन बार कहा हम भगवान आपकी प्रणाम करेंगे और उसकी प्रणाम करेंगे, और जिंदगी भर के लिए भोजन हम दान देते रहेंगे, उसके लिए कुटी बनवा करके दान देंगे और एक गुफा बनवा करके दान देंगे, जो जो वो भंते हो गया तो उसमें ध्यान भावना करेगा, समाधि लगाएगा, अरहंत होगा तो उसमें हमारी भी मुक्ति का कारण बनेगा रहा भगवान। तो कहा ठीक है, आवाज़ दिया भगवान ने तो आकर के खड़ा हो गया। राजा ने प्रणाम किया, कहा हे भगवान, आप जो आँख नहीं जिसको तो आँख दे, ज्ञान नहीं तो उसको ज्ञान दे दिया भगवान, देखो कितना कतली और कितना वो और अपने शरण में लाए। तो एक जेतवन में पुटी बनवा के दान दिया, उसी के नाम से ये प्रसेनजीत राजा ने ये गुफा बनवा करके दान दिया। ये भगवान ने कहा वो राजा ने कि वो भविष्य में अरहंत होगा, अरहंत हो गया, अरहंत हो गया था। तो वही स्तूप भी है आज जो खत्म हो गया था, तो समाधि ना बोलता तो वही साधु बात साधु।